उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप बदमाशों के सफाए के लिए मथुरा पुलिस ने बदमाशों को ठिकाने पर छापा मारकर कार्रवाई की है। और पुलिस को सूचना मिली थी कि 25,000 का इनामी बदमाश जमशेद थाना बरसाना इलाके के जानू गाँव के जंगलों में छुपा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस ने खेत में बने एक मकान को घेर लिया और बदमाशों ने अपने को घेरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया, जिसमें इनामिया बदमाश के साथी महेश को गोली लगी और जिसमें और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन 25,000 का इनामी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। इस मुठभेड़ में एक दरोगा सुल्तान सिंह के सीने में गोली लगी है, जिसके उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत सामान्य बनी हुई है। देखिए, कल देर रात्रि 12:30 बजे हमें सूचना आई, ये बड़ा इनामिया बदमाश है जमशेद, जो कि विशम्बरा का रहने वाला है। इस पर कई मुकदमे हत्या लूट के शेरगढ़ व कोसी क्षेत्र से थे, वहाँ से वांटेड था। हमारे स्तर पे 25,000 का इनामी अपराधी है। मुखबिर की सूचना पे हमने इसकी जब घेराबंदी की तो ये बरसाना थाना क्षेत्र का जानू गांव है, जहाँ पे एक बिल्डिंग में इसके होने की सूचना मिली। इसकी पूरी घेराबंदी जब की गई तो इसने पुलिस पे फायर झोंका कई राउंड्स। उससे हमें ये भी संज्ञान में आया कि इसके साथ एक व्यक्ति और वहाँ पे मौजूद है, और दोनों लोगों ने निरंतर पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। इसी दौरान हमने भी जब जवाबी फायर किया तो उस जवाबी फायरिंग में ऐसा प्रतीत होता है कि इस बदमाश जमशेद को गोली लगी है, घायल हुआ है, लेकिन मौके का फ़ायदा उठा के ये कूद के भागने में कामयाब रहा। लेकिन हमने इसके साथी महेश शर्मा को दबोच लिया है, उसके पास से असला और कई राउंड लाइव एमिनेशन बरामद हुआ है। साथ ही साथ वहाँ निरंतर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और हम इस इनामी बदमाश को भी ज़रूर पकड़ेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में हमारे बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं सुल्तान सिंह स्वाट टीम के, उनको इंजरी हुई है, अभी वो नियति अस्पताल में एडमिट हैं, मैं भी यहीं पर आया हूँ, और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी खतरे से बाहर होंगे और दोबारा पकड़े हुए बदमाश महेश शर्मा जो पकड़ा गया है उसका भी हम आपराधिक इतिहास अभी देख रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि वो इसका संरक्षण दाता है और इसी की महेश शर्मा का ही वो बिल्डिंग या मकान है और वहीं पर ये छुपा हुआ था, ये बात स्पष्ट है, क्लियर है। अगर बात करें तो इनामी बदमाश उसकी आपराधिक स्थिति, देखिए इसका तो बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। हमारे स्तर पर ऑलरेडी 25,000 का इनामी है और कई सारे हत्या के मामले, 4 हत्याएं कम से कम इतिहास में इसने की हैं। ये जो साहून गैंग है विशम्बरा का, उसका अपोजिट गैंग है, इनकी आपस में राइवलरी भी चलती है और हमारी तरफ से इनाम बढ़ाने के लिए ये उच्च स्तर पे प्रेषित भी किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस पे और इनाम हम बढ़ा सकें। बताया जा रहा है कि मोबाइल भी जो मुठभेड़ मोबाइल दरवाजे बच्चे ने तो गोली सीधी सीने में लगी थी। जी देखिए, वो सब परिस्थितियों का हम लोग अभी देखेंगे। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि सौभाग्य से ये स्थिति आई है, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी और जाहिर सी बात है कि एक गंभीर एक लॉस हो सकता था, लेकिन सौभाग्य से उनकी मुस्तैदी से दरोगा जी, और जैसा कि आप बता रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में अभी हम कह सकते हैं कि उनकी स्थिति ठीक है और वो रिकवर करेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से सईद जाहिद की रिपोर्ट।